नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रैंडम बिट्स। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट में सिमटेक 1000 प्रेशर कैसे लगाना है। दोस्तों मुझे बहुत मेहनत करने पड़ी जो 9 पिन वाली कपलर होती है इस बाइक में, उसे ढूंढने के लिए मैंने इसे इधर ढूंढा और फाइनली ये जाकर के मुझे टंकी के नीचे मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कपलर है, ये वाली और ये वाली, इसे हमने इसके साथ जोड़ा है। ये जो हमारा फ्लैशर है और इसके साथ ये स्विच लगा है, ये आर ऑफ स्विच है दोस्तों। और ये जो स्विच है ये फ्लैशिंग पैटर्न चेंज करने के लिए, बदलने के लिए। अभी मैं आपको पैटर्न दिखा दूँ, कौन सा पैटर्न। स्टॉक बोल रहे दोस्तों, अभी मैंने एलईडी बल्ब नहीं लगाया है। मैं आपको दूसरा पैटर्न दिखा रहा हूँ, ये रहा दूसरा पैटर्न। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी और आप अपने बजाज एवेंजर 220 2019 मॉडल में इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो वीडियो के लिए, रॉ फुटेज के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, मेरी सारी चीज़ें ऐसी बिखरी पड़ी हैं, लेकिन आशा करता हूँ आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि इसे इंस्टॉल कहाँ पे करना है। बाकी सभी बाइक्स में आगे यहाँ पे हेडलाइट में काफ़ी स्पेस होता है, तो इसके नीचे ये जो 9 पिन कपलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कपलर टंकी के नीचे है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे इसे यहाँ पे हाइट करना होगा, तो कर ही लूँगा किसी तरह। बस मुझे ये कपलर चाहिए था, ये कपलर मुझे मिला टंकी के नीचे। तब तक के लिए धन्यवाद, राइडर बिट्स से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत।